नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर सुल्तानगंज के बाद थाना क्षेत्र अंतर्गत खानपुर पंचायत वार्ड नंबर 2 से एक नवविवाहिता की फांसी लगाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नवविवाहिता को घरेलू विवाद होने पर घर के ही लोगों ने गले में फांसी लगाकर हत्या कर दी। वहीं मामले में मृतका के फुफेरे भाई अंकित कुमार ने बताया कि उसकी मम्मीरी बहन कर शॉप गांव निवासी मोनिका कुमारी की शादी 6 माह पूर्व खानपुर पंचायत के परशुराम मंडल के पुत्र नीतीश कुमार से हुई थी। अंकित ने आरोप लगाते हुए कहा कि गुरुवार को घरेलू विवाद होने पर मोनिका कुमारी की देर रात घर में ही ससुराल वालों द्वारा फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। साथ ही कहा कि पहले भी 5 लाख दहेज की मांग को लेकर मोनिका का पति नीतीश कुमार शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था और आखिरकार दहेज की रकम नहीं मिलने पर नीतीश और उनके घर वालों ने ही मोनिका कुमारी की हत्या गले में फंदा लगाकर कर दी। वहीं इस घटना की जानकारी परिजनों द्वारा मिलने पर बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायगंज अस्पताल भेज दिया। इधर मामले को लेकर बाद थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि परिजनों के द्वारा अब तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है, जबकि पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। साथ ही कहा कि आवेदन प्राप्त होने पर जांच के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, दहेज मांग रहा था 5 लाख, कितना दिए थे दहेज, इतना सामान भी दिए थे सर, फिर भी पूरा खानदान सर पूरा डकैत है, पूरा सब दारू पीता है सर, दारू पी के मार दिया मेरी बच्ची को। कौन मार दिया? उसका लड़का और उसकी माँ सब मिल के, उसका ससुर सब, तीनों मिल के सर। कब शादी किए थे आपने? 31 मई को। इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर केमिस्ट्री विभाग की ओर से केमिकल और केमिस्ट्री से संबंधित 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। शुक्रवार से शुरू हुआ सेमिनार शनिवार को भी जारी रहेगा, जबकि सेमिनार के पहले दिन व्याख्याता डॉक्टर DC मुखर्जी और सुदीप दास के द्वारा विशेष लेक्चर दिया गया। वहीं सेमिनार में चेकोस्लोवाकिया से गौरव कुमार भी छात्रों को संबोधित करेंगे और जर्मनी एवं जापान के प्रोफेसर अतुक्षु का ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर भी होना तय है। पटना से सुजय कुमार सामवत, पुणे से समर राय और शांति निकेतन के प्रोफेसरों के अलावे कई विशेष प्रवक्ता भागलपुर केमिस्ट्री विभाग में आयोजित इस सेमिनार में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर इंडियन केमिकल सोसाइटी के चेयरपर्सन अशोक कुमार झा ने कहा कि केमिस्ट्री विभाग के केमिकल सोसाइटी का यह शताब्दी समारोह है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केमिस्ट्री से छात्रों का लगाव बढ़ाना एवं दुनिया में नई चीज़ों के आविष्कार को एक दिशा देना है। आज सेमिनार के पहले दिन हमारे यहाँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। इस लेक्चर में मुख्य रूप से प्रोफेसर DC मुखर्जी, प्रोफेसर सुदीप कुमार दास लेक्चर देंगे और चेकोस्लोवाकिया से आए हुए हैं डॉक्टर गौरव, उनका भी व्याख्यान होगा और ये जर्मनी और जापान के प्रोफेसर अकित्सु का ऑनलाइन वर्चुअल लेक्चर आज यहाँ होगा। साथ ही साथ IIT पटना से आए हुए डॉक्टर सुजय कुमार सामंत का लेक्चर होगा, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर प्रणेश चौधरी और प्रोफेसर भारतोष मंडल जी का लेक्चर होगा और DBT पुणे से आए हुए प्रोफेसर समर राय चौधरी का बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है ग्रीन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर भागलपुर समेत कई जिलों में प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है। वहीं 13 फरवरी को भागलपुर में होने वाले CM की संभावित समाधान यात्रा को देखते हुए कई विभागों के भवन एवं विकास कार्य की गतिविधियां भी तेज हो गई है। इसको लेकर भागलपुर प्रशासन ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। इधर समाधान यात्रा को लेकर भागलपुर अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समीक्षा भवन में सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक कर तैयारी से संबंधित बातों पर विस्तार से जानकारी ली। समीक्षात्मक बैठक में DM ने कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि समाधान यात्रा के तहत किसी भी तरह की त्रुटियां नहीं रहे, इसके लिए सभी विभाग के पदाधिकारी अपना काम पूर्ण रूपेण एवं ठोस तरीके से जल्द पूरा कर ले। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए जल्द से जल्द कागजी प्रक्रिया के साथ जमीनी स्तर पर कार्य पूरा करने का भी निर्देश दिया है। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपानगर जैन मंदिर के समीप बकरी चोरी करने पहुंचे चोरों ने 3 बकरी चोरी कर अपने कार के अंदर भी रख लिया।
वहीं इसके बाद वहां से भागने के क्रम में स्थानीय लोगों को इसकी भनक लग गई और लोगों ने कार का पीछा कर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इस दौरान विशहरी मंदिर रोड स्थित सब्जी मंडी में जाम लग गया और कार पर सवार चोर जाम में फंस गए, लेकिन लोगों को पीछे से आता देख चोर गाड़ी छोड़कर वहां से भागने में सफल हो गए। हालांकि गाड़ी खड़ी करने की जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे होने के कारण सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं इसको लेकर नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खलीक उस्मान ने बताया कि बकरी चोरों की पहचान की जा रही है, जबकि कार समेत 3 बकरी को बरामद कर लिया गया है। मेरा 3 बकरी एक खस्सी चोरी हुआ यहीं से। अच्छा, मिला? नहीं मिला। कैसे चोरी करता है लोग? ये लोग जो है ना चलते चलते उठा लेता। क्या गाड़ी है ना? गाड़ी रोड पर चलता है तो इसको उठा चढ़ा लेता है, ये बोल रहा है। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम रहनुमा। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है, पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। भागलपुर के एक निजी होटल में लक्ष्य डी एम संस्था की ओर से संसद भवन में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने अपना विचार रखने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की बेटी अपूर्वा सिंह को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन, राजीव कांत मिश्र, पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव, अशोक भिवानीवाला एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी लोगों ने अपूर्वा के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी, जिया गोस्वामी, दीपक शर्मा, सुधीर भगत, चंदना चौधरी समेत जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सदस्य और बड़ी संख्या में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के लोग मौजूद थे। इधर कार्यक्रम के दौरान अपूर्वा सिंह ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दिए गए अपने विचार को सभी लोगों के समक्ष साझा किया। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा, वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ तरंगा, वो देश जो पराय नागरिक की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। जी हाँ, यही पूज्य भूमि भारत वर्ष कहलाता है, भारत वर्ष कहलाता है। भागलपुर के सबौर ममलखा में श्री श्री 108 पंचकुंडी महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया। इसको लेकर महारुद्र यज्ञ के दौरान 71 मूर्तियां स्थापित कर पूजा अर्चना की गई, जबकि वृंदावन मथुरा के कलाकारों द्वारा रासलीला की प्रस्तुति दी गई। वहीं मेले में मनोरंजन को लेकर टावर झूला, ब्रेक डांस, मौत का कुआं, ड्रैगन, मीना बाजार समेत कई तरह के दुकान भी सजाए गए हैं। इसको लेकर आयोजन समिति के सदस्य यजमान रामकृष्ण कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में सातों दिन श्रद्धालुओं के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 29 सालों के बाद ममलखा में यज्ञ हो रहा है। इसके अलावा अयोध्या से आए यज्ञ आचार्य विजय जी महाराज एवं विद्वान पंडितों द्वारा भजन और प्रवचन की प्रस्तुति दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।